के बारे में इस पर्सनल लोन को आप ले सकते हो। पूरे 25,000 से लेके 5,00,000 तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हो बिना सैलरी स्लिप के। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आपको मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले कि आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जान लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेलघंटा दबा दें, क्योंकि ये बेलघंटा इसलिए है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इन ये वेबसाइट दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, ये आपके सिविल स्कोर पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। देख सकते हैं पूरे 25,000 से लेकर 5,00,000 तक का पर्सनल लोन बिना सैलरी स्लिप के। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिना सैलरी स्लिप के भी आप इसको लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें पहले जान लेते हैं और बता दूँ कि यहाँ पर पहले देख सकते हैं 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए आपको लोन मिलेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस जो रजिस्ट्रेशन पर करेंगे आप इसमें आपको 500 रुपये लेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट आपका शुरू होता है 12.30% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट शुरू होता है। जितना आप ज़्यादा लोन लेंगे उतना थोड़ा इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो 25,000 से लेकर 5,00,000 तक का लोन यहाँ पे मिल रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी है जो भी आप सर आपका दिया हुआ है। अगर आपको लोन चाहिए पर्सनल लोन ऑनलाइन तो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग कहते हैं दोस्तों पर्सनल लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन दोस्तों आप मेरे वीडियो को अगर देखते हैं अच्छे से और आप उसको टर्म कंडीशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 100% आपको लोन मिल जाएगा। तो इसी पर दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर देखते हैं पूरा यहाँ पर फॉर्म है, यहाँ पर पहले आपको भरना है या अमाउंट भरना है, अमाउंट कितना चाहिए देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहाँ आप जॉब मतलब किसके लिए लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या फिर जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री या फैमिली इवेंट के लिए, होम के लिए या फिर शादी है या फिर मेडिकल खर्च या फिर ट्रेवलिंग या फिर वेडिंग, घर में किसी चीज़ के लिए आप लेना चाहते हैं लोन तो आप ले सकते हैं। सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा सिटी है ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में ही है ये शायद, देख सकते हैं पूरे ऑल इंडिया में है तो आप इस पर ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टील क्या चाहिए मतलब किस लिए लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम डालना पड़ेगा, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये है यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ पे नेक्स्ट खुलेगा, वहाँ पे कहेगा कि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डालो। आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी है क्योंकि आपका सिविल स्कोर चेक करता है आपके पैन कार्ड से, तो ये सब चीज़ जरूरी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगा बिना सैलरी स्लिप की, इस पर फटाफट आप लोन ले। तो इसी पर दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी इनकम कितनी होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों बहुत लोग कहते हैं बिना सैलरी स्लिप के, बिना सैलरी स्लिप के आप करते हो तो इनकम प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ दोस्तों वही होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि दोस्तों जो भी इनकम आती है आपका बैंक में, मान लीजिए आप दोस्तों 25,000 रुपये आपकी मंथली आपकी इनकम होती है, कहीं से भी इनकम होती है, ठीक है आप सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी हो, आपकी मंथली आपकी इनकम होती है 25,000 रुपये, तो आप इस लोन को ले सकते हो। एज होना चाहिए आपको 21 साल और आपका यहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 680+ होना चाहिए आपका सिविल स्कोर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई करेगा और यहाँ पे आपका लोन यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, 1 दिन के अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका शुरू होता है, देखते हैं 10.49% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट शुरू होता है। इंसान पर्सनल लोन 5,00,000 तक आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि इनका इतना इनकम तो किसी के नहीं होता है। दोस्तों आप एक टिप बताता हूँ कि मान लीजिए आप दोस्तों आपके पास बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट में दोस्तों मान लीजिए आप घर में कुछ भी पैसे हो तो उस बैंक अकाउंट पे रखिए, क्योंकि दोस्तों उस बैंक अकाउंट से ही आप दोस्तों लोन ले सकते हो। मान लीजिए आप कहीं पर जॉब नहीं करते हो, सैलरी स्लिप नहीं मिल पाती है, आप कहीं से भी इनकम आती हो, आप बैठे तो नहीं हो, इनकम कहीं से आती है, 21 साल उम्र है आपके तो इनकम कहीं से आती है, तो आप दोस्तों बैंक कुछ ना कुछ पैसे रखिए तो आपको लोन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर आपके दोस्तों मंथली इनकम 25,000 होती है तो बैंक का जो कंपनी है या आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, आपका बैंक वेरीफाई करेगा, 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा। यहाँ पर शायद आपका यहाँ पे आपका ऑनलाइन बैंकिंग भी लग सकता है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग भी यहाँ पे यूज कर सकता है ताकि वहाँ पर चेक कर सके कि आपका बैंक में कितने पैसे यहाँ पे आते हैं हर मंथ और इनकम कितनी होती है देख लेगा, और आपके सिविल स्कोर अच्छा होगा तो ये लोन आपको फटाफट मिल भी सकता है। 21 साल एज होना चाहिए। तो दोस्तों आइए इसके वेबसाइट पर यहाँ पर देखते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपका पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, आप इस पर एक विजिट कीजिए, इसका कस्टमर केयर का नंबर भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।